दोस्तों, इंडिया 2008 में चंद्रयान एक मिशन के साथ चंद्र पर लैंड होने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था। उसके 11 साल के बाद एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 22 जुलाई 2019 को इंडिया चांद के साउथ पोल पर लैंड होने वाला दुनिया का पहला देश बनना चाहता था। इससे पहले चांद पर केवल अमेरिका, चाइना और रशिया ही सक्सेसफुली लैंड कर पाए हैं। दोस्तों, उनमें से कोई भी साउथ पोल पर नहीं जा सका, लेकिन 11 साल की मेहनत पर तब पानी फिर गया जब लगभग 3.5 लाख किलोमीटर का ये सफर चंद्रयान 2 ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया और चांद पर लैंड होने के बहस 2.1 किलोमीटर पहले ही चंद्रयान 2 से इसरो का संपर्क टूट गया। खैर, चंद्रयान 2 अब पुरानी बात हो चुकी है और इसके बाद ही इसरो ने चंद्रयान 3 पर काम करना भी तुरंत शुरू कर दिया था, लेकिन 2020-21 में कोरोना के कारण हम इसमें थोड़े लेट हो गए। लेकिन दोस्तों, 14 जुलाई साल 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को दोपहर 2:35 को लॉन्च कर दिया गया और इसके साथ ही भारत ने विज्ञान के क्षेत्रों में अपना एक और मजबूत कदम आगे बढ़ाया और ये अंतरिक्षयान करीब 1.5 महीने के बाद यानी कि 23 अगस्त साल 2023 को शाम के वक्त चांद पर लैंड कर देगा। और अगर इस बार ये सफल लैंडिंग हो गई तो भारत पूरी दुनिया में एक नया इतिहास रच देगा, क्योंकि भारत चंद्रयान को चंद्रमा की उस जगह पर लैंड करवाना चाहता है जहां पर दुनिया के किसी भी देश की नज़र नहीं गई है। दोस्तों, भारत ये चंद्रयान 3 को चांद के डार्क साइड यानी कि उसके दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने जा रहा है। चांद का साउथ पोल आज तक किसी ने नहीं देखा कि वहां पर क्या है और क्या हो सकता है, वो आज तक कोई नहीं जानता, जो यह मिशन में हमको मालूम पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, पूरी दुनिया की नज़र इस बार चंद्रयान 3 पर है। दोस्तों, ये मिशन में चांद के साउथ पोल पर लैंड करने के बाद चंद्रयान 3 का मून लैंडर ओपन होगा और उसके अंदर से एक रोवर चांद की सरफेस पर उतरेगा और उसकी सरफेस को एक्सप्लोर करते हुए कहीं साइंटिफिक रिसर्च करेगा। दोस्तों, जब चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था उसके लिए 800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इस बार चंद्रयान 3 में इससे भी कम यानी 615 करोड़ रुपए का खर्च आया है। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में डिफरेंस क्या है। चंद्रयान 2 में टोटल 3 चीज़ें थी। एक ऑर्बिटर था जो चांद की ऑर्बिट का चक्कर लगाने वाला था, एक लैंडर था जो उसकी सरफेस पर लैंड करने वाला था और उसके अंदर एक रोवर था जो चांद की सरफेस पर चलकर मिशंस को अंजाम देने वाला था। इसमें लैंडर और रोवर टूट गया था, लेकिन ऑर्बिटर सक्सेसफुली चांद की ऑर्बिट में सेट हो गया था और आज भी उससे इसरो का कांटेक्ट बना हुआ है। इसीलिए दोस्तों, चंद्रयान 3 के लिए नया ऑर्बिटर नहीं बनाया गया, यानी इस मिशन में केवल लैंडर और रोवर ही है। अब ये दोनों जहाँ पर जाएंगे वो चांद का साउथ पोल काफ़ी डेंजरस जगह है, क्योंकि चांद की इस जगह पर कभी सूरज की रोशनी पड़ती ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर लगभग -160 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और अंधेरा होने की वजह से ये क्लियर दिख नहीं रहा कि यहाँ की सरफेस कैसी है। अंदाजे के मुताबिक इस जगह पर हाइड्रोजन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर लाखों टन जमा हुआ पानी होने की भी संभावना है। इसके अलावा सिल्वर, एमोनिया, मर्क्यूरी और सोडियम जैसे एलिमेंट्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष तक ले जाने का काम इसरो की LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ने किया है, जिसे इंडिया में ही बनवाया गया है। और दोस्तों, चांद पर जो रोवर चलेगा उसमें 6 व्हील लगे हुए हैं, साथ ही इसमें कैमरा भी लगा हुआ है जिसकी मदद से ये चांद की सरफेस की फोटोज क्लिक करके हमें दिखा सकेगा। दोस्तों, अब अगर सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हुआ तो करीब 3.5 लाख किलोमीटर की यात्रा के बाद 23 अगस्त की शाम हम चांद के दक्षिण ध्रुव की रियल तस्वीरें हमारे घर में बैठकर देखने में कामयाब रहेंगे।
और पूरी दुनिया में भारत एक नया इतिहास बना देगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।